अच्छा, आप जब आईसीसी इवेंट्स में होती हैं, ये तो हम आईसीसी इवेंट्स में इंडिया से खेलते हैं, इंडियन क्रिकेटर्स से भी कोई चिट चैट होती है? क्योंकि हमारा कल्चर एक है, हमारी लैंग्वेज एक है, तो उनसे भी कोई आपकी चिट चैट होती है? विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, ये सब है। बिल्कुल, देखिए होता ही है कि जब आप आईसीसी इवेंट पे जाते हैं ना, तो वो ग्लोबल इवेंट होता है, तो वहाँ पे इनएविटेबली आपके इंटरव्यूज होते हैं। मेरी हार्दिक पांड्या से प्रॉपर डिस्कशन हुई हुई है, हमने नहीं, इंटरव्यूज के अलावा वैसे मैं उसी चिट की चैट? बात कर रही हूँ, हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। हार्दिक पांड्या का जब हम आईसीसी में इंटरव्यू किया था, तो उसके बाद हमारी अच्छी गप लगी। आई थिंक किस चीज़ के ऊपर, हम शायद म्यूजिक के ऊपर बात कर रहे थे या कुछ उस किस्म की। वो काफ़ी इज इन टू म्यूजिक एंड ही फॉलोज पाकिस्तानी वो। एंड उसके अलावा के एल राहुल से बात हुई थी, उनसे भी मेरी गुफ्तगू हुई, तो बस हेलो आए, अच्छा वेयर आर यू, ये वो ब्लास्ट करके। क्योंकि जब आप एक ही फेस को बार बार देख रहे होते हो, तो फिर उनको भी थोड़ी रिकग्निशन हो जाती है कि अच्छा ये पाकिस्तान की एंकर है, तो वो उनको पता चल चुका है। और विराट को भी पता है, क्योंकि मैं उनका इंटरव्यू कर चुकी हूँ, मैंने इंटरव्यू किया था अभी उनका आई रिसेंटली आईसी के लिए। लकी हैं आप बहुत, विराट हाँ जी, कोहली का इंटरव्यू, ये सब हमारा ड्रीम है। हाँ नहीं, वो एंड वो इतना अच्छा बोलते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी उनको। मैं तो वो जो उन्होंने मुझे बताया था कि तुम नहीं ये बोलना, वो इतना अच्छा बोलते हैं और सबको ही पता, अच्छा बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल, उनके साथ इंटरव्यू करने का मज़ा भी आता है, बिकॉज ही गिव्स यू सो मच। सो ऑल दीज गाइज। एंड देन एक दिन हम हमारे साथ एक लड़के थे, दानिश सेठ, अगर आपने देखा होगा, वो जो कॉमेडियन भी हैं ओ और यस, वो इंडिया से, मज़े, जो इंडिया से, जो इंडिया से जो वीडियोस इंडिया, बनाते हैं, तो वो भी आईसी की तरफ से वो उन्होंने भेजा हुआ था इन्फ्लुएंसर के तौर पर। तो मेरी उनसे बड़ी अच्छी है, क्योंकि मैं पहले से उनको जानती हूँ, हमने इकट्ठे शो भी किया हुआ है। तो उन्होंने कहा आओ खाने पे चलो, मैंने कहा ठीक है, हम खाने पे चले गए। जब खाने पे गई, तो वहाँ पे हर्षल पटेल उनके साथ, वो उसने कहा हर्षल मेरा दोस्त है, तो हर्षल पटेल, उनकी वाइफ, उनका बच्चा दानिश और मैं, हम लोग खाने पे गए। तो आई गॉट टू नो हर्षल, वेरी नाइस हम्बल गाय। तो इस तरह से होता ही है कि जब आप जाते हो, आप लोगों को अक्रॉस द बॉर्डर मिलते हो, आप उनसे इंटरेक्ट करते हो। और फिर बुमराह की बीवी वॉज वर्किंग विद मी, संजना गणेशन, वो मेरे साथ काम करी थी, शी इज़ ऑल्सो वेरी वॉर्म। सो आई थिंक इस तरह आपकी हो जाती है। अच्छा, आप तकरीबन आपने हर जगह ही काम कर लिया है दुनिया में, अगर हम क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात करें तो। अगर मैं अगर आपसे पूछूं कि आईपीएल में आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होता है, या आपको प्रेजेंटर के तौर पर आपको वो बुलाते हैं, जाएंगी आप? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर जाएंगी कि नहीं जाएंगी। पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस जो अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये पाकिस्तान इंडिया का, आपको पता है, सिलसिला है। वैसे होना, मेरी एक पर्सनल राय, होना नहीं चाहिए, ट्रेड भी जारी रहना चाहिए। आर्टिस्ट म्यूजिक, तो आप देखिए यूट्यूब पे आप जाएं, पाकिस्तानी म्यूजिक जो है वो सारे इंडियन सुन रहे होते हैं। अभी आपने जिक्र किया प्लेयर्स का, जब हम भी जब किसी से मिलते हैं कवरेज के दौरान या कुछ, ऐसा लगता ही नहीं है कि दोनों मुल्कों में टेंशन है, इतनी अच्छे तरीके से मिलते हैं। आपने भी जो जिक्र किया, तो मतलब ये हुकूमतों के दरमियान ऐसी हाँ चीजें हैं, बाकी जो आवाम मिलते हैं, फैंस मिलते हैं, क्रिकेटर्स मिलते हैं, दे रिस्पेक्ट ईच अदर, मतलब इसमें कोई मसला ही नहीं है। बस यही आपको पता ना, कि फिर ये पॉलिटिकल टेंशन की वजह से इस वक्त जो दूरियां हैं वो इसीलिए है, या इवन वर्क अपॉर्चुनिटीज जो है वो इसीलिए नहीं है। वरना कभी कभार हम देखेंगे कि जी वसीम भाई चले गए, वगैरह कोई बड़े सतह पे कोई इवेंट हो रहा हो, जहाँ पे उनको पाकिस्तान को लेना है, कोई वर्ल्ड कप हो रहा हो, एशिया कप हो रहा, उस किस्म का। बट अदरवाइज पहले जैसे होता था कि वो अपने आईपीएल में भी, तो अगर मुझे कभी ज़िंदगी में बुलाएंगे तो बिल्कुल देखूंगी, मैं बिल्कुल जाऊँगी। तो मेरे लिए ना, मैंने जैसे आपको कहा, सियासत को मैं दूर रखती हूँ। मेरा नहीं ख्याल से ये ठीक है कि जी हमें उनके लिए काम नहीं करना चाहिए या उन्हें हमारे लिए काम नहीं करना चाहिए। आई थिंक काम को काम की तरह लेना चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आई जेनुइनली फील दैट, आई जेनुइनली फील कि काम को काम रहने दें और उसको रिस्पेक्ट करें और ये पॉलिटिक्स को दूर रखें। क्रिटिसिज्म भी आप पे बहुत हो सकता है अगर आपने ओके किया, क्यों, कितना अच्छा हो अगर आईपीएल में पाकिस्तानी भी हो, पीएसएल में, यहाँ कराची में मैच अभी हो रहा है, इसमें इंडियन प्लेयर्स हो, दोनों लीग्स जो हैं वो यूं ज़मीन से आसमान पे जा सकती हैं, इतनी मतलब पॉपुलैरिटी उसकी हो सकती है। होना चाहिए ये सब कुछ जो है, अब इतने साल हो गए, ख़त्म होना चाहिए सब कुछ। बिल्कुल, क्रिटिसिज्म तो देखिए होता है। पहली बात तो मैं आपकी क्रिटिसिज्म को थोड़ा एड्रेस करूं। मैं नहीं बिलीव करती कि मैं हर काम जो करती हूँ वो लोगों को पसंद आएगा। मुझे पता है कि किस काम के आगे से क्या रेप्रेजेंट